हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मासिफ, जिसमें मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए डालता हूँ और या फिर नेचर से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। आई एम ए नेचर लवर, मुझे नेचर से काफ़ी मेरा खास जुड़ाव है, काफ़ी कुछ सालों से रहा है मेरा। तो इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है वीडियो का, एक बार आप वो वीडियो देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो बंद करके आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा बायोमिमिक्री की। बायोमिमिक्री जैसा नाम से ही पता चलता है, ये जो नेचर में कोई भी इंजेन्यूटी, कोई भी एक ऐसी खास चीज़ जिसको हम नेचर से सीख के, मदर नेचर से सीख के अपनी लाइफ में उसको रेप्लिकेट कर सके, वो बायोमिमिक्री होती है। वो कोई टेक्निक भी हो सकती है जिसको मदर नेचर से हम कॉपी करके अपने अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको रेप्लिकेट कर सके, ताकि हम अपनी उसकी अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको उससे सॉल्व कर सकें, राइट? तो बायोमिमिक्री, तो यहाँ पे बायोमिमिक्री किस कॉन्टेक्स्ट में है? वेल, जैसा मैंने बताया कि मैं नेचर की वीडियोस डालता हूँ, तो अभी एक महीने पहले मैंने एक अपनी जिम कॉर्बेट की टाइगर सफारी, जंगल सफारी करी थी। टाइगर सफारी तो कहना गलत होगा। उसमें वो वीडियो को अच्छे खासे व्यूज़ मिले। तो तो जब मैं उसमें जैसे ही मैंने टाइगर रिजर्व में एंटर किया, तो एक टर्माइट का माउंड हमको दिखाया उस गाइड ने। तो उससे पहले मैंने वो कहीं देखा नहीं था, देखा होगा तो मैंने शायद से ओवरलुक कर दिया होगा। तो गाइड ने उसको देखते यही बोला कि ये जो टर्माइट माउंड है, जो डीमक का एक एक बड़ा सा ढेर था, वो बेसिकली एक आप ये कह सकते हो कि उससे ये पता चलता है कि जंगल काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि इस जो डीमक की जो ये टेक्निक है इसको बनाने की, इसके पीछे क्या वजह है, और इसमें जो वो वेंटिलेशन, इतना प्रॉपर जो वेंटिलेशन है उसको कैसे बहुत से बिल्डर्स आर्किटेक्चर में उसको यूज़ कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल टेक्निक्स के रूप में। तो क्या होता है कि जो आपकी डीमक होती है, मैं आपको बता भी देता हूँ यहीं से बैठे बैठे। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पे जंगल में अब जाहिर सी बात है, जिम कॉर्बेट में आपको पता है 80% आपके साल के पेड़ है, टीक के भी पेड़ मिल जाएंगे वहां पे। तो इतना सारा घना जंगल है, तो पेड़ कई बार गिर जाते हैं, डिकम्पोज होने में उनको बहुत साल लग जाते हैं, राइट? तो जो भी लिटर वगैरह होता है, फिर प्लांट का भी मटेरियल, तो प्लांट मटेरियल भी पड़ा रहता है नीचे, राइट? हाथियों का, वो बेसिकली टाइगर का, सॉरी एलिफेंट का प्राइम मूविंग कॉरिडोर है, वो राणा जी नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट से होते हुए नेपाल के जंगलों में जाते हैं। तो जब हाथी भी इतने भारी भरकम हाथी जब पेड़ों के पत्तों को गिरा देते हैं, तो वो लिटर हो जाता है, वो जो भी वेस्ट मटेरियल नीचे गिरा रहता है। तो जो टर्माइट्स होती है, जो डीमक होती है, जमीन के नीचे से जाके यहाँ से यहाँ पे लिटर हो सकता है, यहाँ पे कहीं एनिमल का डंग होगा, कहीं पे कोई वेस्ट वुड मटेरियल होगा जो मैंने बताया, वो डीमक यहाँ से उस चीज को कलेक्ट करके यहाँ पे कहीं जहाँ इनका सेंटर होता है वहां पे लाके इकट्ठा करती है। अब जाहिर सी बात है, ये इस चीज को तो खा नहीं सकती, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी फंगस होती है जो इसको डिकम्पोज कर देती है, ऐसे इस तरफ से यहाँ लेके आते हैं, तो वो फंगस उसको डिकम्पोज करता है और फिर वो उस ये डीमक उस फंगस को खाती है, ठीक है? वो फंगस भी रेप्लीकेट होती रहती होगी। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज वे में हर चीज फंक्शन कर रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो दीमक का एक पहाड़ होता है, मिट्टी का दीमक के द्वारा बनाया हुआ, वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ये देखा होगा आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें ये जो इसको टर्माइट माउंट बोलते हैं, ठीक है, दीमक का बनाया हुआ होता है। तो ये क्यों बनाया जाता है, राइट? तो मैं वो थोड़ी आपकी वो आपको बताता हूँ, और बाद में फिर मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा, बायोमिमिक्री पे, ठीक है? या टर्माइट का जो माउंड होता है, उससे कंट्री मतलब वर्ल्ड के रिनाउंड जो आर्किटेक्ट्स, उन्होंने क्या सीखा, राइट? तो
अब जाहिर सी बात है कि आपने वो क्लिप भी देखी होगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया, उससे आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इस टर्माइट माउंड के अंदर बेसिकली ये जो सेंट्रल कह सकते हो जो सेलर बना हुआ है नीचे, एक सेंट्रल सेलर होता है जिसके अंदर क्वीन होती है। तो इसमें कई तरीके की टर्माइट्स होती हैं, जो एक होती है क्वीन, वो क्वीन एक दिन में 30 से 40 हज़ार एग्स देती है। एग लेइंग मशीन होती है वो, बहुत बहुत मतलब उसका काम यही होता है कि वो एग दे रही होती है। तो जो दूसरे टाइप के टर्माइट्स होते हैं वो बेसिकली उन एग्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर कुछ इस तरीके के टर्माइट्स होते हैं जो इस माउंड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इसके आउटर लेयर्स में, राइट। तो पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है, मतलब बहुत अच्छे से हर एक मतलब इस इकोसिस्टम में जो भी लिविंग एंटिटी है उसको अपना काम पता है कि कैसे करना है, राइट। तो क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है इसमें इतने सारे मतलब मिलियंस में टर्माइट्स होते हैं, ठीक है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव कर रहे हैं तो और जाहिर सी बात है वो फंगस को भी खा रहे हैं साथ साथ, राइट। मूवमेंट भी हो रही है तो इस सिस्टम के अंदर काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो इकोसिस्टम फ्लरिश कैसे करेगा, ऐसे इस केस में तो उन टर्माइट्स की डेथ हो जाएगी। तो अंदर जो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको कॉम्बैट करने के लिए ये टर्माइट माउंट बड़ा काम आता है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि टर्माइट माउंट इतना ऊपर की तरफ कैसे गया, राइट। तो बेसिकली वो यहाँ से जब वेस्ट मटेरियल लेके आते हैं तो उसको अब उसको लाते हैं तो फिर वो सॉइल में उनकी मूवमेंट होती है। तो सॉइल में जब मूवमेंट होती है टर्माइट्स की तो एक चीज़ तो ये होती है कि जब सॉइल में अगर ज़्यादा मूवमेंट होगी तो सॉइल में अफरा तफरी ज़्यादा रहेगी, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल होगी वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी, परमिएबल बोले तो पोरस हो जाएगी, उसके अंदर मतलब काफ़ी पोरस होगी वो। तो जो सॉइल होती है वो काफ़ी पोरस होती है और वो जो मेटीरियल है वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, राइट। तो वो इकट्ठा होते होते इसकी हाइट काफ़ी बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ। तो अब उससे होता क्या है कि जैसा मैंने बताया कि जब सॉइल ज़्यादा पोरस हो जाती है तो ऊपर से जो बारिश आएगी, बारिश के दिनों में जो रेनफॉल वाटर होगा, रेनफॉल जो होगी तो उससे जो बूंद है पानी की वो नीचे तक जाएगी क्योंकि सॉइल पोरस है। अगर पोरस नहीं होगी तो ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाएगी। और उससे क्या होता है, एक और चीज़, जब भी डिकम्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को, लेटर हो चाहे एनिमल डंग हो चाहे वुड मटेरियल हो, जो वेस्ट वुड मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसी मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि सॉइल वैसे ही ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से वैसे रिच हो गई, और दूसरा जो ऊपर से रेनफॉल आ रही है वो सॉइल के पोरस होने की वजह से अच्छे से नीचे तक जाती है, इन्फिल्ट्रेट करता है जो रेनफॉल वाटर है। तो रेन वाटर अच्छे से इन्फिल्ट्रेट होने के कारण और उन रिच सब्सटेंसेस के होने की वजह से ये सॉइल इस पूरे इकोसिस्टम में, जो इकोसिस्टम की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, और इसकी वजह से, इस फर्टाइल सॉइल की वजह से इस माउंट के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं यहाँ पे भी और इसके आसपास, राइट। तो इसी वजह से दीमक जो अक्सर एक सिंबल होता है कि दीमक तो हर चीज को खराब ही करती है, राइट। मतलब दीमक जो दिमाग में आती है तो हम क्या सोचते हैं कि यार दीमक तो लकड़ी को खा जाती है, ठीक है। दीमक तो घर घर को खराब कर देती है, लोग पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेते हैं, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स लेते हैं, ठीक है। एक दो दिन के लिए घर को छोड़ना पड़ता है कि भाई आप मेजर कर लो सारा। वही दीमक एक जंगल को कैसे फ्लरिश करती है टर्माइट माउंट्स के थ्रू, ठीक है। तो टर्माइट माउंट्स इन जंगल इज अ सिग्नल ऑफ जंगल्स प्रॉस्पेरिटी, जंगल्स यू नो बीइंग जंगल इज फ्लरिशिंग इट्सेल्फ क्वाइट वेल। तो वो इसीलिए हम इनको हम बोलते हैं इंडी लाइक जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इंडिकेटर्स होती हैं किसी चीज़ का, जैसे चिड़िया। दिल्ली में चिड़िया नहीं है, स्पैरोज नहीं है बहुत, मतलब मैंने तो, मुझे तो दिखती नहीं है चिड़ी, मतलब मैं जब बचपन में, मुझे याद है जब जब दिखता था, आप तो मुझे चिड़िया दिखती नहीं है दिल्ली में, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो कुछ स्पीसीज बहुत सेंसिटिव होती हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर, तो इसलिए उनको इंडिकेटर स्पीसीज बोला जाता है। तो स्पैरोज आर इंडिकेटर स्पीसीज, इफ दे आर इन द सिस्टम इट मीन्स योर सिस्टम इज गुड। बट अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो 400 तक पहुंच जाता है जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, राइट। तो इसलिए स्पैरोज नहीं दिखती यहाँ पे।
इसी तरीके से जंगल में अगर आपको टर्माइट माउंट्स दिखेंगे तो आप कह सकते हो कि टर्माइट्स एक तरीके की इंडिकेटर स्पीसीज हैं। जहां पे टर्माइट माउंट्स हैं वहां पे इसका मतलब जंगल बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, या फिर जंगल जो आपके हमारे एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसको स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर पा रही है, नहीं तो जंगल में कहीं भी डिस्टर्बेंस होगी तो ये सब नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ तो ये थी कि भैया टर्माइट माउंट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज दी हॉट स्पॉट्स ऑफ फर्टिलिटी इन सच इन सच यू नो वाइल्ड नेचर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर विच दिस वीडियो वॉज प्राइमरीली मेड, दिस टर्माइट आर्किटेक्चर। हाँ, मैंने जैसे मैंने वो बात वहीं पे छोड़ दी थी अधूरी, अभी कंटिन्यू करता हूँ कि जो आपकी डीमक होती है वो अंदर अंदर तो सिस्टम ऐसा होता है कि अंदर ज़्यादा हीट डेवलप हो जाती है, तो अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाउ दे विल सर्वाइव, वो सर्वाइव कैसे करेंगे अंदर। तो उनका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, ये मैंने जैसा बताया कि जो माउंट होता है दूर से आपको दिखेगा कि नॉर्मल सी, मतलब दूर से दिखेगा कि एक बहुत ले हार्ड सी लेयर ऐसा लिखे दूर से देखने पर दिखेगा, लेकिन इस माउंट के चारों तरफ, माउंट के चारों तरफ आपको बहुत सारे मतलब बहुत ही टाइनी स्पोर्स जो शायद से बेयर नेकेड आई से ना देखने को मिले वो पोर्स बने होते हैं। तो बेसिकली जो जो हवा है वो इजीली फ्लो कर सकती है अंदर की तरफ, ठीक है। अब हमारे साथ क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि जब हम हवा अंदर इनहेल करते हैं तो वो ट्रैकिया के थ्रू अंदर ब्रांच आउट करती है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो हवा आएगी वो टाइनी जैसे हमारे अंदर वो मैं जैसे कह रहा हूँ ब्रांच आउट, यहाँ पे क्या है कि हवा जो अंदर आ रही है वो पहले से ही डिफरेंट पोर्स के थ्रू अंदर आ रही है, और अंदर आके यहाँ पे एक सेंट्रल चिमनी सी बनी होती है। तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अब जाहिर सी बात है नीचे जो आपका लो प्रेशर बनेगा बिकॉज ऑफ हीट, वो हीट ऊपर की तरफ जाएगी और यहां से जो बाहर से फ्रेश एयर आ रही है वो अंदर आएगी, और दोनों फ्रेश और वार्म एयर यहां से सेंट्रल चिमनी से होके दे विल गो आउट। तो वेंटिलेशन सिस्टम काफी बहुत ही वेल फंक्शनिंग होता है, बहुत अच्छे से काम करता है वेंटिलेशन, और इसी वजह से बाहर से जो हवा आ रही है और फिर वो इनहेल भी हो रही है एक्सहेल भी हो रही है, तो इसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर कंडीशंस होती है वो काफी कंड्यूसिव होती है, वो इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती है जितना हम सोच रहे थे। तो ये टर्माइट माउंट बहुत ही, इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसी अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी जिम्बाब्वे में हरारे में किसी आर्किटेक्ट को काम दिया गया कि भाई आप एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बनाओ, आई थिंक ईस्ट गेट करके था वो जो भी बड़ी सी बिल्डिंग बनाई थी, तो पर उसके सामने कंडीशंस, ये कंडीशंस उन्होंने जो टर्म्स ऑफ कंडीशन रखी होगी तो उसमें ये बोला गया कि भाई हमको कॉस्ट कटिंग भी करनी है तो हमें एसी कहीं भी डिप्लॉय नहीं करना पूरी बिल्डिंग में, और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट था तो बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने इस टर्माइट माउंट की टेक्निक का यूज़ किया। तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, अब आपको सबको पता है कि जो कॉन्क्रीट, जो बेसिकली जो कॉन्क्रीट होता है कोई भी हार्ड चीज़ होगी वो गर्म भी जल्दी होती है ठंडी भी जल्दी होती है इन कंपैरिजन टू सम लिक्विड। तो जैसे पानी जो है, पानी लेट गर्म होगा लेट ठंडा होगा विज अ विज समथिंग हार्ड विच इज़ वेरी विच इज समथिंग विच इज समथिंग विच समथिंग विच इज मेड ऑफ वेरी कॉन्क्रीट मटेरियल। तो इसी तरीके से और हमें ये भी पता है कि जिस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होगी। भाई अगर बिल्डिंग का साइज बड़ा है तो सेम लॉजिक वहां पे अप्लाई करो कि जब अगर कंक्रीट जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो रहा है तो अगर उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो दिन में ज्यादा गर्म और रात को ज्यादा ठंडा रहेगा। तो उन्होंने बिल्डिंग जो बनाई उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा, और नाइट को वो बिल्डिंग कूल हो जाती थी तो नाइट को क्या करेंगे कि नाइट को जो जो बेसिकली इसमें कंडक्शन भी आएगा, अगर बिल्डिंग ठंडी होगी तो आसपास की हवा जो होगी आसपास बिल्कुल एग्जैक्ट सराउंडिंग की वो भी थोड़ी ठंडी होगी, तो उस एयर को पुल इन करके अंदर फिर ब्लॉक्स बने हुए थे बिल्डिंग के, वो ब्लॉक्स में उन्होंने थर्मल मटेरियल्स यूज किए थे। तो थर्मल जो होते हैं वो बेसिकली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है उनकी, इंसुलेशन हाई होती है, इंसुलेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है थर्मल मटेरियल्स की। तो जब वो कूल एयर को जब वो पुल इन करेंगे तो वो उसको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में छोड़ देंगे,
और दिन में जब गर्मी ज्यादा होगी तो उस सेपरेट चीज को वो एक चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो एक वेंटिलेशन, जो एक वेल फंक्शनिंग वेंटिलेशन सिस्टम है, वो उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट किया, और बिना एसी के बहुत ही कंड्यूसिव कंडीशंस अंदर की देखने को मिली बाद में। प्रोजेक्ट बनने के बाद जो बिल्डिंग थी वो काफी, अंदर का टेम्परेचर जो था वो काफी कंड्यूसिव था। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने ये वीडियो जानबूझ के हिंदी में बनाई है ताकि बाकी लोग भी इसको समझ सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अभी एक और वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगेगी, वो बिल्कुल नेचर से रिलेटेड है। उसमें मैं एक, खैर आप वो वीडियो खुद ही देखिएगा, इस वीडियो के अंत होने के बाद ही मैं वो वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।